क्या ये एकदम ब्यूटीफुल हो क्या रखा, हल्का हल्का ड्रिजल हो रहा है हल्का हल्का, और हमें हॉस्पिटल भी अभी जाना है। यस फाइनली 9:30 हो गया और हम निकलने वाले हैं। और भाई पूरा एकदम मोटे मोटे, एक टी शर्ट डालिए, एक शर्ट डालिए, उसके ऊपर ये डालिए क्योंकि बारिश पड़ रहा है और ठंडा है भाई। तो जल्दी से जाके काम ख़त्म करके आते हैं। मॉम को आगे चले देना, जस्ट नॉर्मल चेकअप के लिए लेके जाना है कि जो भी उनका जो ट्रीटमेंट हुआ है आँख में उसका क्या है, डॉक्टर देखना चाहते हैं। तो मैं फटाफट चलता हूँ, टाइम हो रहा है ऑलरेडी, मैं आपसे वहाँ जाके मिलता हूँ। वेल गाइस, तो फाइनली मैं पहुंच गया पार्किंग लॉट में, यहाँ पे पार्क कर दिया और जाता हूँ। मॉम वहाँ पे वेट कर रही है, डॉक्टर से जल्दी चेक करके बात करके फिर निकलेंगे। और बारिश का मौसम अभी फ़िलहाल रुक गया है तो भाई आसपास में ना सिर्फ डॉक्टर पेशेंट्स ही है यहाँ पे। और अच्छा है बारिश, मतलब अभी ड्रिजल नहीं कर रहा है, बट मौसम मस्त हो गया है, एकदम चिल्ड है, गर्मी नहीं लग रहा है। बट एक बात बताऊँ, जैसे बारिश बंद हुआ लोग ऐसे आए ना, मतलब रोड पर ट्रैफिक इतना हो गया, तो मैं इसको भी पहना था जिसको मुझे खोलना पड़ा, क्योंकि करीबन 5 किलोमीटर तक में ना इतने पसीने बहने लगे ना, मैं बोला नहीं होगा अभी इसको रागाड़ी रोक करके फिर ट्रैफिक में मुझे खोलना पड़ा। और भाई आज के बाद में शायद फिर अब लंबा गैप हो जाएगा यहाँ पे आने के, नहीं तो भाई 2 महीने से फिर से मैं रेगुलरली आ रहा था यहाँ पे हर एक हफ्ते। बट अब वो मतलब अब देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं, फिर नेक्स्ट कब आना है, और आज दिखाते हैं, देखते हैं कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या हुआ है करके, वो सब पूरा चेक करेंगे। तो मैं चलता हूँ अंदर और मैं आपको बाद में मिलता हूँ। अच्छा ऐसा है अभी का माहौल, एकदम ठंडा ठंडा, बारिश का पूरा सब चीज़ें भीगा भीगा। अच्छा गाइस, अभी जो है ना आई टेस्ट कराने मॉम अंदर गई है, तो मुझे बाहर रुकना पड़ रहा है। एंड एक्चुअली जो ना आज भीड़ ज़्यादा, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं वहाँ से थोड़ा दूर इस कॉरिडोर में आया, और यहाँ पे एक्चुअली भीड़ आज ना कुछ ज़्यादा ही है, शायद बारिश शायद इतने दिनों के बाद आए। बट हाँ, हम लोगों का ज़्यादा आज तो टाइम नहीं लगने वाला क्योंकि डॉक्टर ने बोला सिर्फ एक बार चेकअप करेंगे, देखेंगे और उसके बाद में जाने लगे, बाकी और कुछ नहीं है। तो जल्दी से चीज़ें ख़त्म हो जाए तो हम लोग भी निकलेंगे यहाँ से, है ना। और मौसम तो भाई अच्छा रह के रखा है, काश अब ऐसा ही मौसम रहे हमेशा यार, गर्मी से हालत ख़राब हो गया था। एंड गाइस आजकल ना चैनल थोड़ा डाउन हो गया मेरे, दूसरे चैनल पता नहीं क्या हुआ, आई एम जस्ट ट्राइंग हार्ड टू मेक इट अप। 1-2 महीने देखना है, शायद 1 महीने, बट नहीं हुआ तो फिर इन सभी चीज़ों को छोड़ के जाना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है अभी। तो ऐसी है फाइनली, अब यहाँ से हम जा रहे हैं, 1 महीने बाद फिर आना है, वो रहा एक्चुअली। सो गाइस फाइनली सभी चीज़ वगैरह हो गया, सबने मैम ने बोला कि सभी चीज़ वगैरह नॉर्मल है और इम्प्रूवमेंट हो रहा है, अब इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तो 1 महीने के बाद में फिर से चेकअप करने के लिए, तब उस टाइम में और प्रोग्रेस चेक करेंगे किस हिसाब से। तो अभी के लिए गाइस यहाँ पे आ गया हूँ, मैं यहाँ से चल रहा हूँ, यहाँ पे जल्दी से पार्किंग चलता हूँ, निकलता हूँ। और अभी करीबन 12:30 भी बज गए, घर जाते थे 1:30 बज जाएगा। एंड गाइस थैंक गॉड सब चीज़ जो ना आराम से होगी, अब ज़्यादा टेंशन नहीं है। और मुझे अब जाना है घर, और काम भाई बहुत सारा पेंडिंग हो गया है, नाउ हैव टू कॉन्सेंट्रेट। मेरी गाड़ी कहाँ है, मैंने ना गाड़ी कहीं तो खड़ा थी, अच्छा वो रहा मेरा गाड़ी। तो गाइस काम पे कॉन्सेंट्रेट करना है, और इस तरफ का नज़ारा मैं थोड़ा सा ही दिखा पाया, बाकी अब पता नहीं, मैं बाद में बट कभी ना कभी दिखाऊंगा, बट अभी एक्चुअली निकलना है तो गाइस इसकी वजह से वहाँ वाला फुटेज तो अभी नहीं आ पाएगा। एंड मैं निकलता हूँ, बाद में आपसे बात करता हूँ, शायद घर या ऑफिस जा करके। जाते जाते एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो यहाँ पे अभी जो पार्किंग है, यहाँ पे पूरा लंबा चौड़ा पार्किंग है, तो यहाँ पे अगर पार्क करोगे तो भाई कुछ भी पैसे नहीं लगता, बाकी और कहीं भी कैंपस में उस तरफ कहीं भी पार्क करते भाई हर टाइम 20-20 रुपये पे करता था, फिर ये वाला पार्किंग मुझे मिल गया, यहाँ पर कोई पैसे नहीं देना पड़ता है, तो पूरा लंबा चौड़ा है पार्क के साइड में। चलो मैं निकलता हूँ, मॉम वहाँ पर वेट कर रही है, ओके बाय। घर पहुंच गया और करीबन 1:30 दोपहर के बज गए हैं, एंड अभी फ्रेश अप थोड़ा होना है, लंच खाना है, और ऑफिस के लिए काम के लिए निकलना है। यार भाई काम वाला लाइफ ना बहुत टफ में चल रहा है, अब उसको भी सही करना है। फाइनली मॉम का जो हॉस्पिटल वाला चीज़ है तो अभी ठीक हो गया, बट अब ऑफिस का चीज़ें देखना है। ओए क्या कुकर, कुकर से खेल रहा है, कुकर में फुल पीसी तो गाइस फाइनली मैं नहा धोकर के भी आ गया। देखो भाई कुछ इस तरह से मेरा लुक है आज का, और इसके साथ मैं सोच रहा हूँ इसको भी पहन लूँ, और वाइट वाला ये वाला पहनने को मिला क्योंकि आज गर्मी नहीं है, ठंडी की वजह से जो ना इसको मस्त लगता है, इतने दिन हो गए थे इसको पहने ही नहीं, तो महीनों महीनों पड़ा था, तो आज पहनेंगे भाई।
चलो उसके पहले एक और छोटा सा काम है, जो गैस वाला सीन मैंने बताया था ना उसके लिए करना, उसके बारे में इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताऊंगा, रुक जाना, इसलिए रुको मैं वहाँ पे जाता हूँ पहले। उसके पहले मुझे अपना लंच करना पड़ेगा, लंच करके फिर निकलेंगे। रेगुलेटर, इसका नंबर भी मैंने मैच किया, मैच कर रहा है हमारे डॉक्यूमेंट से, और बाकी लेके चलते हैं और बताता हूँ क्या होता है आगे भाई। और साथ में हमें अपना आधार कार्ड भी लेके जाना है, ये रहा मेरा आधार कार्ड। और अपना बाइक लेके चलता हूँ यहाँ से। बस फाइनली मैं आकर के यहाँ गैस वाले सेंटर पे जो ना पहुँच गया। हमारा जो है ना ये इंडेन वाला है जैसा आपने आपको बताया, और इन्होंने बोला था कि कुछ सीरियल नंबर वगैरह जो रेगुलेटर को वो मैच होना है, तो मैंने वो भी चेक करा, वो भी मैच हो रहा है। तो पेपर में सभी चीज़ें मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि कहाँ पे नंबर आता है, अभी पूरा चीज़ें बैग में, पहले जाकर मैं बात करता हूँ। ये वाला जो नंबर देख रहा है ना, यहाँ वाला मैच होना है, तो हमारा पुराना वाला मैच हो रहा था और ये नया वाला आ गया अभी। वेल गाइस, तो फाइनली काम हो गया भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस 2 मिनट लगा। पेपर उन्होंने देखा, चेक किया, नंबर मैच किया, जो मैंने अभी आपको दिखाया ना ये नया वाला का नंबर, उसी तरह उसका नंबर मैच किया, सिस्टम में डाला, सब चीज़ सही था। और भाई करीबन 10 या 11 साल के बाद में हम लोग मतलब ये प्रॉब्लम आया है जो रेगुलेटर का इशू है, और मेरे नाम पर ही था तो कुछ इशू नहीं था। आधार कार्ड उनको दिखाना पड़ा आइडेंटिफिकेशन के लिए, बस उतना ही, और फटाफट नया वाला दे दिए। बस अत जो पाइप है ना, पाइप के लिए एक्चुअली इन्होंने 190 रुपीज़ यानी 200 रुपये चार्ज किए, जो पाइप जो आता है, बाकी रेगुलेटर फ्री में हो गया भाई। बढ़िया है यार, दिस इज़ गुड, इंडियन, ऑल द बेस्ट। एंड इंडियन वाले अगर कोई देख रहे हो तो भाई शुक्रिया, थैंक यू। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, घर जाता हूँ, इसको ड्रॉप करता हूँ। मेरी मुझे मैंने क्लीन किया था, बट अभी लाइट में मुझे दिख रहा है। बट एनीवेज मैं घर चलता हूँ, ड्रॉप करता हूँ, लगा देता हूँ घर में, फिर उसके बाद में ऑफिस जाना पड़ेगा भाई। ऑलरेडी पता है 3:30 बजने वाले हैं। मेरा एक फ्रेंड यहीं रहता है, उसको कॉल कर लेता हूँ, देखता हूँ वो मिलता है कि नहीं। चलो भाई, एक और सीन है। अब जो हमारे दोस्त का था उसमें ना गाड़ी में कुछ दिक्कत है, एक्चुअली टूटा है, मैं आगे जा करके दिखाता हूँ। तो हमने 3-4 दिन पहले लास्ट वीक ही बात करा था, बट कुछ कारण वजह से वो चीज़ नहीं हो पाया। तो बट अब भी जा रहे हैं, उनकी गाड़ी थोड़ा दिक्कत में है मेरे दोस्त की, तो उसको मैकेनिक के पास मतलब जाना है उसको, ठीक है। आगे चलो मैं बताता हूँ, पहले मैं घर जा करके इसको ड्रॉप कर देता हूँ, फिर उसको मिलने जाता हूँ। तो भाई हेलमेट पहन कर ना मेरे बाल देखो कैसे हो गए यार, मतलब नहाया धोया। चलो एनीवेज घर, अब यहाँ से डायरेक्टली मुझे जो है ना ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, यहाँ से अब जा रहा हूँ डायरेक्टली गैरेज। जो मैंने दोस्त के बारे में सीन बताया ना, तो उसको मैंने डायरेक्टली गैरेज के पास बुलाया हूँ, जो जान पहचान के वहाँ पे पहले गाड़ी को ठीक कराने दे देते हैं कार। पहले चलते हैं, मिलते हैं वहाँ पे, फिर उसके बाद जाएंगे। सो गाइस फाइनली हियर आई एम। और जो ये देखो ये सीन हुआ है, ये एक्चुअली ऊपर का जो ग्लास है ना ये टूटा हुआ है भाई साहब, भाई साहब ने क्या किया और ये डेंट गया हुआ है। और ये अपना पुराना वाला गैरेज है, जो मैं अपनी गाड़ियाँ वगैरह यहाँ ठीक कराता था, तो मैंने इसको यहाँ रेफ़र किया और इस वाले का भी काम कराते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा है, हल्का सा डेंट है, अस्तु ऐनू इल्ल मम। बट ऐनंद्रे इल्ली पॉइंट गाड़ी दियल्ल इल्ली इल्ली इरुत्तिद्रे ईज़ियागि तगिबोदु। आप लोगों को क्या लगता है, जो ये डेंट वगैरह रहता है क्या प्राइसिंग वगैरह में ठीक हो जाता है, आपके जगह पर बताना है, नीचे कॉमेंट कर देना। ये देखो गाइस, यहाँ पे कितनी सारी गाड़ियाँ, यहाँ पे ना मैं जब मैं करा था तो यहाँ पे कुछ और ही सेक्शन था, अभी कुछ और ही है, पता नहीं अब क्या। और बाकी गाइस देखो इतने सारे गाड़ियाँ यहाँ पे, कौन सा गाड़ी चाहिए नीचे कमेंट करके बताना, वो गाड़ी मैं पार्सल करके भेज दूँगा। और ये वाला जो ओपन हो गया, पिछली बार हमने कार वॉश करवाया था, आई डोंट नो अगर वो व्लॉग मैंने डाला एक नहीं डाला रहूँगा गाइस, चेकआउट करना। तो यहाँ पे कार वॉश करवाया था, अब यहाँ पे ये वाला टंकी वाला काम करते हैं। तो गाइस ये हमारे खान साहब गाइस, इनको मैं करीबन 10-12 साल से, जो मैंने पुरानी बिजनेस अपनी गाड़ियाँ चलाता था, जो भी टिंकरिंग वगैरह का काम होता था, जो बॉडी का जो काम होता था, पेंटिंग का होता, सभी इन्होंने किया। और हमारी दोस्त का जो गाड़ी हुआ है तो अभी यही साफ कर रहे हैं। और प्राइसिंग भाई एकदम बेस्ट क्वालिटी प्राइसिंग में मिल जाएगा। आप थोड़ा अपना एड्रेस वगैरह बता दो, अगर कोई बैंगलोर से देख रहे हो, अगर प्रॉपर अच्छी तरह से टिंकरिंग पेंटिंग और जो है ना बॉडी का कुछ काम कराना चाहते हो, तो इनको डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो। आपका मोबाइल नंबर या फिर कुछ भी डिटेल आप बोल सकते हो। मोबाइल नंबर है 9916804828। गैरेज का नाम AK मोटर्स, नियर इंडियन ऑयल पेट्रोल बैंक, बेगू रोड, बोमनअली। तो गैस बोमनअली सिग्नल से बेगू रोड में आओगे तो भाई डायरेक्टली यहाँ पे आ जाना। बाकी कमेंट कर देना, कभी भी मैं देख करके रिप्लाई जरूर कर दूंगा। और गैस इनको अगर यूट्यूब गुरुजी बोलोगे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि इनके पास मेरा ओरिजिनल नाम है जो कि है सुमन। तो आकर के सुमन बोलना तो पता चल जाएगा भाई हमारे तरफ से आया है। और बाकी भाई साहब को अब गाड़ी देखते हैं, फाइनली करीबन 6000 में बताया कि पूरा काम हो जाएगा। देखो आपके सिटी में अगर कोई भी ऐसा काम कराए हो ना, तो देखना गाइस ये ग्लास का और ये पूरा शेप का टिंकरिंग और डेंट वगैरह निकालना और जो इसका कलर वगैरह करना। और ये भी देखो गाइस पूरा टूटा हुआ है, मैं यहाँ हाथ नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि ग्लास वगैरह पूरा अंदर से गिरा हुआ है। चलो दिखाई देते हैं अब इसका, तो ये देखो गाइस इस तरह से कांड होके रखा है और हमारे कांड करने वाले पीछे हैं, वो अनफॉर्चुनेटली कैमरा पे आना पसंद नहीं करते हैं।
तो कुछ ऐसा है गैस। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना गैस आप लोगों का क्या व्यू है, और आपके सिटी में जिस किसी भी सिटी से हो क्या आपका प्राइसिंग है। यहाँ पे गैस हमें 3000 और 3000 मिला है, और बैंगलोर के अंदर में गैस दिस इज़ द बेस्ट प्राइस मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो अब मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। भाई ये ग्लास देखो एकदम मस्त डिज़ाइन हो गया ना, काश कुछ ऐसा ग्लास ही मिले जो ऐसा डिज़ाइन के साथ हो। मिलता है, मिलता है। ओ बढ़िया बढ़िया, अपनी गाड़ी में डलवाऊँगा कभी। ओ भाई देखो भाई कितने सारे ग्लास गिरे हुए हैं। देखो भाई ग्लास का बारिश हो रहा है, किसको नहाना है। देखो पूरा टूट रहा है भाई, खान साहब ने दिल के पूरे टुकड़े टुकड़े कर दिए। ध्यान से ध्यान लग जाएगा नहीं तो। चलो गाइस मैं मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद में। अब इसके बाद में हम जाएंगे यहाँ से ऑफिस, और उसके बाद में देखते हैं क्या करना है, और बाकी काम तो है ही। तो गाइस देखो ये है याद गाड़ी मामी तो मत है ऑल्टो K10। तो गाइस इस गाड़ी को मैंने अभी तक चलाया तो नहीं है, बट हैंडलिंग वगैरह पे आज पहली बार यहाँ पे बैठा हूँ, देख रहा हूँ भाई। नहीं चलाया था मैंने तगोंडा का ओड सिग्नल, करेक्ट कर रहे, ये जब गाड़ी लिया था ना उसी टाइम में गाइस मैंने चलाया था इसको, उसके बाद से फिर कभी नहीं चलाया। बाकी इसके पहले जितने भी थे मैंने सिडान चलाया था, हैचबैक कभी नहीं चलाया था, एक इंडिका शायद मैंने चलाया था, उसके बाद में जो हैचबैक का एक्सपीरियंस है ये इसी पे था। इसमें ना मुझे एक जैसे देख रहे हो, देखो ये पैर है ना, अगर कोई लंबा इंसान है ना उसके लिए थोड़ा टफ है। सिडान वगैरह में क्या रहता है, जो बूट स्पेस आपका यहाँ जो रहता है ना वो बूट स्पेस थोड़ा ज़्यादा रहता है, ओके। और हैचबैक में हल्का सा मुझे कम लगा, बस हते मतलब अगर आराम से ऐसे करके चलाना है ना तो मतलब ऐसे लेट जाओ, और ये पैर देखो यहाँ ना हल्का सा टच होता है, तो दैट्स वन थिंग। बाकी गाइस अगर नॉर्मल हाइट है तो, अगर आपके 5.5 के नीचे हाइट है तो फाइन, मेरा क्योंकि 5.9 है, हम लोग ऑलमोस्ट 6 फीट के हो गए, तो 6 फीट से ऊपर वालों के लिए जो ना हैचबैक थोड़ा दिक्कत की बात है ड्राइविंग करने के लिए, बाकी तो सभी चीज़ें ठीक ही रखता है। वहीं कैसे थोड़ा ठीक हो जाना है, तो इस पर कभी ना टेस्ट ड्राइव वगैरह फिर से मैं चलाऊंगा कभी, और आप लोगों को भी दिखाऊंगा अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे। तो अभी गैस फिलहाल इन्होंने बोला है कि भाई कल तक रेडी हो जाएगा, कल शाम तक ये डिलीवरी दे देंगे, एंड तो अभी हमें यहाँ से निकलते हैं एंड जाते हैं। और बाकी कुछ भी क्वेश्चन होता है गैस इस सभी चीज़ों के लिए मुझे बता देना नीचे कॉमेंट बॉक्स में। गैस एक चीज़ हमेशा से करना था जो मैं अभी दिखाता हूँ, रुको। तो जो अभी देखा ना, यूजुअली बाकी ब्लॉगिंग वीडियोस वगैरह में देखता हूँ भाई, वो खच 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 करके साउंड आता है, तो वही चीज़ के लिए मैंने अभी देखा जो। अब बाकी नेक्स्ट जो दूसरा होता है ये जब डालते हैं ये वाला साउंड के लिए, आई होप कि प्रॉपर से आया होगा, इसके ऊपर मैं प्रैक्टिस करूँगा ताकि फ्यूचर वाली वीडियोज़ में ना सही से उसको दिखा पाऊँ, ठीक है भाई साहब। ध्यान से ना मुझे मतलब एक साल पहले वगैरह यहाँ पर आया रहूँगा इस रोड पर स्पेशली, तो भाई बहुत सारी चीज़ें चेंजेस, दुकान वगैरह अलग अलग लग रहा है यहाँ पर भाई। पे रुका था मेरे पीछे देख रहे हो पूरा पुलिस का, ये वाला जो देख रहे हो ना भाई, यहाँ पे पूरा पुलिस का चेकिंग चल रहा है भाई, लोगों का इलेक्शन का टाइम है यहाँ पे, तो इसके वजह से जो ना पैसे वैसे चेकिंग वगैरह का पूरा सीन चल रहा है यहाँ पे। तो वैसे हमने आए यहाँ पे थोड़ा लंच खाने के लिए, मेरा तो लंच हो गया, दोस्त को खाना था, बट यहाँ पे देख रहे हो भाई ये उत्तर कर्नाटक स्टाइल में है, और यहाँ पे मैंने एक डिफरेंट टाइप का रोटी दिखा हूँ वो मैं दिखाता हूँ। ये देखो भाई इसको बोलते हैं कड़क रोटी, मैंने कभी टेस्ट तो नहीं किया है, बट अभी वैसे पेट भरा हुआ है, नहीं तो मैं पक्का टेस्ट करके आप लोगों को बताता। पर सत्य मैं ले रहा हूँ थोड़ा सा बज्जी, और भाई साहब ले रहे हैं पूरा खाना, इनका टेस्ट ना खतरनाक वाला होता है। ये मैंने बज्जी ले लिया, और इसको बोलते हैं गैस चित्रन्नम, साउथ इंडियन का यहाँ का है, लेमन राइस अच्छा सॉरी लेमन राइस। और मैं बस इसको खा रहा हूँ भाई, क्योंकि देखो गैस यहाँ पर इस तरह से पूरा एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, ये एक पार्टी है हमारे यहाँ ना बैंगलोर में, पूरा इलेक्शन का माहौल है अभी, जो मैंने आपको दिखाया पुलिस वगैरह का पूरा चेकिंग चल रहा था, और अभी देखो पूरा एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, तो इसी महीने मई में 10th को जा करके इलेक्शन है, तो आपके जगह पे कब है नीचे कमेंट करके बताना इलेक्शन वगैरह। चलो भाई मस्त से खाना हो गया, अब चलते हैं ऑफिस की तरफ। फाइनली गाइस बैक ऑफिस आ गया हूँ, अब मैं आपको सीधा मिलता हूँ शाम को कुछ काम वगैरह करके। यहाँ ना अभी ये पहली बार ना कुत्तों को देख रही है, हम लोग अपने टेरेस हैं, टेरेस से देखो वहाँ नीचे ना कुछ कुत्ते हैं, देखो ये जो कुत्ते हैं ना इनको लड़ते हुए देख करके ये फुल लेखना एकदम खुश है, पहली बार देख रही है शायद कुत्तों को लड़ते हुए, जैसे ये लड़ रहा है एकदम हैप्पी हो गई थी। कैसे करते हैं नूनू, कर दो करके दिखा दो,
ये फ़ोन जब सामने रहेगी ना कुछ नहीं करेगी। उसके पहले एकदम फुल रिएक्शंस था इसका, कहीं कुत्तों की एक्ट कर रही थी जैसे वो कुत्ते जंप कर रहे थे। चलो बंद करते हैं अभी थोड़ी देर। भाई साहब रात के 12 बज गए बट, और ये देखो भाई एक्चुअली बारिश, पानी दिख रहा है भाई, ख़तरनाक वाला एकदम तेज वाला बारिश पड़ रहा है। देखो पानी गिर रहा है पूरा भाई, एकदम तेज वाला बारिश पड़ रहा है। रात के 12 बज रहे हैं, मैंने व्लॉग भी अभी तक एंड नहीं किया, तो चलो भाई इसी बात पे व्लॉग एंड करते हैं। बारिश को देख के मेरा दिल खुश हो जाता है, और आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ यार। मैं सोने जा रहा था और देखा अचानक से बारिश, मुझे तो यार बहुत मज़ा आ रहा, पानी यहाँ तक आ गया भाई पूरे। चलेंगे बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग पे।